वेलकम फ्रेंड, हिंदी टेक हेल्प में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ई श्रम कार्ड बनाते हैं, आप CSE VLE हैं या फिर आप कोई भी हैं जो गांव में काम करते हैं और लोगों का ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं या खुद का ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जब आपके पास मॉर्फो डिवाइस होगी तो मॉर्फो डिवाइस मंत्रा डिवाइस में भी आप कर सकते हैं। अगर आपका मंत्रा डिवाइस चल रहा है तो ठीक है, लेकिन मॉर्फो डिवाइस में एक इशू होता है कि जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो आपका ई श्रम में वर्क नहीं करता है। तो इसलिए मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों की आम परेशानी है और बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं और ये प्रॉब्लम बताते हैं, फिर मैं उनको सॉल्व करके देता हूँ एनी डेस्क पे। तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो बार बार आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा और बड़ी आसानी से आप मॉर्फो डिवाइस का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और इसे ई श्रम पर कार्ड पर यूज कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बैक करना है और आपके डिवाइस पर मॉर्फो इंस्टॉल होगा तो हम उसे सबसे पहले अनइंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अनइंस्टॉल करने के लिए हमने कंट्रोल पैनल खोला और उसके बाद हम प्रोग्राम पर गए और यहाँ पर अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो भी हमारा मॉर्फो से जुड़ा डिवाइस होगा उसका ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल होगा, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए, ये हमारा मॉर्फो से जुड़ा ड्राइवर यहाँ पर इंस्टॉल है, ये और ये दोनों हम इसे यहाँ से अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं देखिए RD अनइंस्टॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे दूसरा जो मॉर्फो से जुड़ा है हमारा USB ड्राइवर, तो मैं उसे अनइंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, आप भी मत करो। और अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, फिर नए सिरे से इंस्टॉल कर लेना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमको दिक्कत सबसे ज़्यादा RD सर्विस से ही होती है, क्योंकि मॉर्फो डिवाइस का ड्राइवर है वो प्रॉपर इंस्टॉल है, यानी हमारे डिवाइस डिटेक्ट कर रही है कि नहीं। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी डिवाइस डिटेक्ट कर रही है कि नहीं। हमने RD बस अनइंस्टॉल किया और हमने मॉर्फो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करके रखा है। मैं चेक करके बताता हूँ कि ये कैसे चेक कर सकते हैं आप कि आपका डिवाइस शो कर रहा है सिस्टम पे कि नहीं, कनेक्ट है या नहीं। सबसे पहले दिस PC पे चलते हैं, राइट क्लिक करके मैनेज पे चलते हैं। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो खुलेगा, आप उस विंडो को देखना है। देखिए इस तरह से खुल जाएगा आपका कंप्यूटर मैनेजमेंट, आपको चलना है डिवाइस मैनेजर पे। डिवाइस मैनेजर पे जाने के बाद आपको एक लिस्ट खुलेगी और यहाँ पे सबसे नीचे आना है यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर, यानी कि USB से हमारा डिवाइस जो है कनेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके देखना है, तो यहाँ पे लिखा होगा CBM मॉर्फो, CBM डिवाइस जो भी आपका लिखा होगा मॉर्फो का, तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। मैंने अभी इस पर अटैच नहीं किया हुआ है इसलिए ये शो नहीं हो रहा, तो यहीं पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें डिवाइस ड्राइवर तो है हमारे पास, हम RD सर्विस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिस PC खोलना है, और इस पे मॉर्फो से जुड़ा ड्राइवर जो है हमें अनइंस्टॉल करना है। तो ये देखिए मॉर्फो लॉग है, अब यहाँ से इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। अब ये जो मॉर्फो बस लिखा हुआ है ये डिवाइस ड्राइवर का, आप इसे ओपन करके देख सकते हैं, ये मॉर्फो स्मार्ट USB ड्राइवर। तो इसको रहने देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमको। अब चलते हैं गूगल पे, RD सर्विस डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इसे इंस्टॉल करने की प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है RD सर्विस। ये RD सर्विस जो है डायरेक्टली आपके मॉर्फो के RD सर्विस वाले वेबसाइट पे पहुँचा देता है। आपको इसे इस तरह से ऊपर करना है और ये RD सर्विस ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये RD सर्विस की वेबसाइट खुल गई। अब दिक्कत कहाँ पे होती है कि बहुत सारा, अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर एंड्रॉयड के लिए अगर करना चाहते हैं RD सर्विस तो यहाँ से कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए 1, 2, 3, ये तीन ड्राइवर दे दिए हैं
इन्होंने, लेकिन इसमें से कौन सा करना है ये लोगों को नहीं पता। अब कर तो लेते हैं और स्टॉल भी करते हैं, किसी का चलता है किसी का नहीं चलता, लेकिन मैं आपको पहले नंबर वाला स्टॉल करके दिखाता हूँ, आप भी यही कर लीजिए, ठीक है? तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले इसको जहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, चलिए इसे डाउनलोड हो जाने देते हैं, ये हमारा आरडी सर्विस डाउनलोड हो रहा है। और देखिए फ्रेंड, ये हमारा डाउनलोड हो गया है आरडी सर्विस। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसे यहाँ से सो इन फोल्डर कर लेना है। सो इन फोल्डर करेंगे तो आप डायरेक्टली कहाँ पे आपका आरडी सर्विस डाउनलोड है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब देखिए, ये जो है एक रार फाइल है, अगर इस तरह से आपके में नहीं आता तो आप विन रार जो है विंडोज गूगल में जाके विन रार लिखेंगे तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इस तरह की फाइलें हमेशा इस तरह से खुलेगी, और नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसे राइट क्लिक करना है और सिंपली इसे एक्सट्रैक्ट करना है। ये देखिए ओपन एक्सट्रैक्ट ऑल, मैं इसे एक्सट्रैक्ट ऑल पे सिलेक्ट कर देता हूँ इस तरह से, और ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। एक पूरा सॉफ्टवेयर का जो बंडल है वो एक तरह से ओपन हो जाता है, ये देखिए हो गया। और यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक्सट्रैक्ट होके ये फाइल जो है क्रिएट हो गया है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। और इसे फिर से ओपन कर लेते हैं, और देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास सॉफ्टवेयर आएगा विंडोज आरडी सर्विस का। इसे आपको राइट क्लिक कर रहा है सिलेक्ट करके, और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है? यहीं पे आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप डायरेक्टली करेंगे शायद ना वर्क करे, लेकिन आपको इसी तरह से कर रहा है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके यस करना है। और देखिए हमारा मॉर्फो आरडी सर्विस यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, तब तक हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और ये हमारा मॉर्फो आरडी सर्विस इंस्टॉल हो रहा है। और बस थोड़ी देर में हमारा मॉर्फो आरडी सर्विस ड्राइवर जो है इंस्टॉल हो जाएगा, और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, या आप चेक करके एक बार देखें कि ये करता है कि नहीं। नहीं करता तो आपको क्या करना है, सर्विसेज पे जाके आपको वहाँ पे मॉर्फो सेलेक्ट करना है और मॉर्फो को रिस्टार्ट कर देना है। अगर वो भी आपसे नहीं आता तो आपको करना क्या है, इसे एक बार रिस्टार्ट कर देना है। सिंपली ये लिख रहा है ना, यस रिस्टार्ट द कंप्यूटर। अगर आप इसे एक बार फिनिश कर देंगे तो ये रिस्टार्ट होगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर आप अपना डिवाइस लगाइएगा, आपको सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसे रिस्टार्ट नहीं करता हूँ, और यहाँ से इसे क्रॉस कर देता हूँ। इसके बाद जो है आपके पास मॉर्फो यूएसबी ड्राइवर पहले था, आपने आरडी सर्विस इंस्टॉल कर लिया। अब एक बार आपको क्या करना है, डिवाइस लगाना है, या फिर आप डिवाइस नहीं भी लगाएंगे तो सर्च में आपको लिखना है यहाँ पे सर्विसेस, आपको सिंपल सर्विसेस लिख के यहाँ पे ओके कर देना है। और किसी भी इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, और उसके बाद सीधे एम प्रेस करना है, तो आप चले जाएंगे मॉर्फो यानी एम सीरीज पे। आपको यहाँ से इसे ओपन स्लाइड करना है, देखिए यहाँ पे मॉर्फो आरडी सर्विस आ गया, और एक मॉर्फो यूएसबी। आप मॉर्फो आरडी सर्विस को यहाँ से आपको रिस्टार्ट करना है।
ये हमारा हो गया, अब इसे यहाँ से क्रॉस कर देना है। अब वापस वो डिवाइस निकाल के लगाना है और आपको जाके इस रैम पे वापस चेक करना है, आपका डिवाइस वर्क करेगा। अगर नहीं वर्क करता तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, फिर भी कमेंट अगर हो जाता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं मुझे भी लगे कि मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो पूरा हो गया है। और इसी तरह आप हमें प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि ये कारवा बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। अगर मेरे वीडियो से आपको कोई लाभ होता है तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।